मैं लाहौर कलंदर का। यार सारे ही लाहौर कलंदर के फैन। वैसे तो कराची किंग। और ऐसे ऐसे लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर, सारे ही लाहौर के। लाहौर के हैं तो लाहौर को ही करेंगे ना सपोर्ट। कराची एक पर्ची उठाएंगे। वाह, पर्ची दिखाएं। मुल्तान देखें आप। लाहौर के लिए क्या पैगाम है? खोता ना खाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका वही फनी वाला होस्ट हूं। रहमान नहीं होना परेशान। मैं क्या हो गया आलू और कीमे वाला ना, लोगों को होता है नुकसान और लोग हो जाते हैं परेशान। आज हम फिर एक दफ़ा अपना वही लम्हा वही चेहरा आपके सामने लेके आए हैं। लेकिन आज आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आज एक ऐसा प्रोसीजर हम करने आए हैं। PSL की आमद आमद है, बल्कि PSL स्टार्ट है। तो आज हम PSL की ट्रॉफी की कुरंदाजी करते हैं। पाकिस्तानी अवाम, लाहौर की अवाम किस टीम को मद्देनज़र रखती हैं, आए हमारे साथ चलें। कौन सी टीम के वोट ज़्यादा होते हैं ये अभी आपको पता चलता रहेगा, साथ साथ ये आप देखते रहें। आए हमारे साथ। तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारा सा नाम? शाहज़ेब चौधरी। शाहज़ेब चौधरी, बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह। क्या करते हैं? मैं बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और आर्किटेक्चर हूँ। मेरी डिग्री भी चल रही है मैस कम्युनिकेशन की, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। यार ये तो ऑलराउंडर है। ऐसे पाकिस्तानी बच्चे ऐसे अगर पाकिस्तान में मज़ीद आ जाएँ, या ऐसा टैलेंट ऐसे ऑलराउंडर पाकिस्तान की तारीख में मज़ीद आते रहे, तो हम किसी मुल्क के कर्ज़े ही नहीं हो सकते और ना किसी के मुहताज हो सकते हैं। अल्लाह ताला के मुहताज रहेंगे। लेकिन हम इनसे बात करते हैं, PSL को तो लाइक करते हैं आप? मैं इतना को लाइक नहीं करता, बस देख लेता हूँ कभी कभार मैच। देख लेते हैं यानी कभी कभार। लास्ट टाइम पर मुझे याद है बचपन से होश संभाला है, जब मैं एक वो देखा है वर्ल्ड कप देखा है, वनडे में आके पाकिस्तान हार रहा था, मेरे तो मसल ही डैमेज हो गए, इतने को मुझे टेंशन हो गई। उसके बाद मैंने मैच नहीं देखा। तो कौन सी टीम को फॉलो करते हैं? मैं लाहौर कलंदर को। यार सारे ही लाहौर कलंदर के फ़ैन निकल रहे हैं, लेकिन लाहौर की पर्ची क्यों नहीं निकल रही, इसमें क्या वजह है? हम इनसे जान लेते हैं, क्योंकि ये मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट भी हैं, इनको थोड़ा ना थोड़ा तजर्बा होगा अंदर बाहर का। इनसे बात करते हैं, चलें बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले हम कुरंदाजी कर लेते हैं। ये आपने पर्ची निकालनी है, ये भी फैसला हो जाएगा। कराची। लो जी, तीन शहादतें कराची की हो गई हैं, तो तीन शहादतों के बाद पाकिस्तान में ईद भी मनाई जाती है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि कराची वाले हो तो ईद है, तो आप क्या कहते हैं? मैं भी कहता हूँ उनकी ईद है। अब आप मुझे जिस तरह बता रहे हैं कि पहले भी उनका कराची का निकला है, तो जाहिर बात अब तीसरी शहादत मेरे हाथ में है, तो कराची ही होगा फिर। मैं तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा हूँ। सारे ही लाहौर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको लाहौर से मोहब्बत तो है, जाहिर बात है, लेकिन दिल का कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा पर्ची के साथ? ये तो दिल से दिल की राह होती है ना। अब देखो मेरे कुछ दोस्त कराची के भी हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। बिल्कुल ऐसे ही, आप देखें अब और कुछ मेरे जज्बात है वो लाहौर के हैं और जो मेरा दिल है वो कराची में है। यानी हम ये सोच सकते हैं कि कराची लाहौर का फाइनल हो जाएगा? इंशाल्लाह होगा, पक्की बात है। कराची लाहौर का फाइनल पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होता है। बिल्कुल होता है, जारी बात। दोनों बड़े शहर हैं, फेमस शहर हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर कराची या लाहौर का फाइनल हो जाता है तो आपकी नज़रों में फिर कौन जीतेगा? मेरी नज़रों पर्ची को देन से निकाल दे। मेरी नज़रों में दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर। मैं चलो लाहौर में तो आप पैदा हुए, आपका बाव अजदाद लाहौर में, आपका सब कुछ लाहौर में, लेकिन कराची में क्या है, कोई मशहूक तो नहीं है? अल्लाह माफ़ करें, मशहूक नहीं है, मेरे दोस्त हैं काफ़ी कराची में, बॉयज ही गर्ल नहीं है। ये पक्की बात है, 100% सोच लें। मैं कह रहा हूँ 100। चले कराची वालों को कोई पैगाम दे दें, उनको कुछ खबरी तो आपने सुनाई दी है अपने दिल से, यानी उनको थोड़ा हौसला हो जाए कि ये ट्रॉफी हम जीत सकते हैं। लेकिन करना अल्लाह ताला ने जो कुछ भी होना है, तो आप कोई पैगाम दे दें कराची वालों के लिए। पैगाम है कि आप लोग दिल और दिमाग खोल के खेलो और अकल से खेलो, दबाव में नहीं। पहले भी अकल से ही खेलते हैं, पहले वो गुर्दे के साथ खेलते हैं, गुर्दे से पथरी से होना चाहिए। अच्छा अच्छा। और ज़रा थोड़ा सा अच्छा खुल के खेलेंगे। अब मैच तो होते रहते हैं, अब हम ये तो नहीं है कि हम उनको वो डिग्रेड कर दें, लाहौर को हम चढ़ा दें। अब देखें पाकिस्तान का वो भी शहर है, हमें चाहिए कि जो वो जीतता है, लाहौर जीतता है, तो जीतता तो पाकिस्तान ही है। बिल्कुल अच्छी बात है जी। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, हम आगे भी लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या रहते हैं मलयाली हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेटवर्क का इशू है, आवाज़ कट कट के आ रही है। फाइका फाइका
भाई का अल्लाह ताला ने सेहत भी दी है, बोलने के लिए जबान दी है, सोचने के लिए दिमाग दी है, हाथ चलाने के लिए ये उंगलियाँ भी दी हैं जो भी चल रही थी, मुस्कुराहट के लिए आपको ये होंठ भी दिए हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन नेटवर्क का इशू क्यों होता है? ज़रा जोक शोक से बोलें, शरीकों को पता चले मुनव्वर भी आई है जी। क्या नाम है? फाइका। फाइका, फाइका क्या करती है? मैं पढ़ती हूँ। अखबार? नहीं, पढ़ रही हूँ अभी। महल्ले दे विच केरी कमेटी निकलती है, कमेटी का नाम तो नहीं पढ़ते जी? वही पढ़ती हूँ। पक्की बात है, क्रिकेट को लाइक करती है जी? थोड़ा उरा हो जाओ, तो जंप लग रहे ने उरा। क्रिकेट को लाइक कर, कौन सी टीम को फोकस है? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर, सारे लाहौर के लाहौर को ही करेंगे ना सपोर्ट? माशाल्लाह माशाल्लाह, लाहौर की हैं तो लाहौर को ही करेंगे सपोर्ट। लेकिन आप लाहौर को सपोर्ट तो करते हैं, अभी आपकी मोहब्बत का जायजा लिया जाएगा इस पर्ची के जरिए। आप लाहौर को कितना लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, गोलो करते हैं, शहादत वाली उंगल से लाइक करते हैं या कैसे लाइक करते हैं? ये अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है मेरी मिल्लत के नौजवान और इकबाल के शिनो। आपने भाई के इसके ठहरो, आपने भाई के इसके अंदर से एक पर्ची निकालनी है, अभी पता चल जाएगा कि आप लाहौर की सच्ची पक्की फैन है या हमें दावे लगा रही हैं, अभी पता चल जाएगा। देख लाहौर, पर्ची सामने करें जी नाज़रीन, लाहौर का भी दुखा लग गया है, एक शहादत और होगी तो लाहौर की ईद हो जाएगी। पाकिस्तान में तीन शहादतों में ईद मनाई जाती है, लेकिन लाहौरियों को भी ये खुशी मिलने वाली है पाकिस्तानी अवाम के जरिए। आप लाहौरियों को कोई पैगाम दे दें। देख लें, अब मैं सच्ची लाहौरी थी ना तो निकल आया ना। अच्छा, तो लाहौर के लिए यही पैगाम है कि देखें आप लाहौर के लिए क्या पैगाम है, खोता ना खाएं। हाँ वो उसके साथ में पीएसएल भी देखें। अच्छा, नालो शोरे वाला खोता खाएं या सूखा? नहीं पता नहीं, नहीं। खोता खाने नाल पीएसएल हजम हो जाएगा या पीएसएल देखने नाल खोता हजम हो जाएगा? तो आपने बोला है ना। लाहौर ये नहीं खाते? मैंने तो नहीं खाया। मैंने आपको कहा, ये देख ले नाज़रीन, जो होता है ना चोर, उसे पता चल जाता है कि मैंने चोरी की है, उसके ज़हन में आ जाता है। मैंने आपसे पूछा था कि आपने खोता खाया? आप लाहौर के नहीं हैं? मैं लाहौर के ही हूँ। आपने भी खाया? नहीं, हमने कभी मुर्गा गोश्त खोता छोता ऐसी ऐसी चीज़ पकाई? दाल खाने वाले लोग हैं हम, लाहौर की जेल के पीछे रहते हैं। फिर हमने भी नहीं खाया। पक्की बात है। अच्छा, कोई पैगाम दे दें लाहौरियों को। यही खाए खोता ना खाए, यही खोता ना खाए, यानी पहले खाते हैं। पक्की बात है। आप क्या दे, खोता खाएं साथ रायता भी खाएं? हाँ जी। हाँ जी यार, ये हम आगे भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हसनैन। हसनैन जी, तेरा मस्त मस्त दो नैन, पता नहीं तेरे दिल का खराब हो चैन। हाँ यो तो खराब है चैन, तो तू की आया दुनिया से लैन? जो दुनिया से बंदा लैन आता है। सही। हसनैन क्या करते हो? क्रिकेट खेलता। इसके अलावा क्या करते हो? इसके अलावा खेला। क्रिकेट तुम्हें कौन खिलाता है? घर वाले मोबाइल की गेम है क्रिकेट खेलते? नहीं नहीं, क्लब में खेलता हूँ। कौन सा क्लब? पहले तो लाहौर में खेलता था, अब अपनी सिटी से खेल रहा हूँ नारवाल। नारवाल में वो जो पहलियों में उन्होंने ग्राउंड बनाया होता है? नहीं, अपना ग्राउंड है हमारा। अपना ग्राउंड है, ठीक है। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो पीएसएल में? वैसे तो कराची किंग। वैसे तो कराची किंग और ऐसे? ऐसे लाहौर कलंदर। वैसे कराची किंग और ऐसे लाहौर कलंदर? और मीडियम साइज की अगर बात करें तो? फिर क्वेटा। फिर क्वेटा। अगर इससे ऊपर वाला साइज हो? फिर कोई नहीं है। फिर कोई नहीं है। हमारे पास ये पर्ची हैं, ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपकी मोहब्बत जाहिर हो जाएगी कि अभी क्या होने वाला है। ये हमारे पास पांच पर्चियाँ, पांचों टीमों के अंदर नाम मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर, कराची किंग और साथ लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर एंड पे नाम लिया, लेकिन आएगी वो पहले नंबर पे। लेकिन ये अभी पता चल जाएगा जो पर्ची निकलेगी आपके सामने, अभी रिजल्ट आने वाला है। ये कमेटियों वाली आंटी की पर्ची नहीं है, ये पीएसएल की ट्रॉफी की पर्ची है। अभी हमने इसे मिक्स कर दिया है, ये आपके सामने है और अभी रिजल्ट आपके सामने आएगा। ये एक पर्ची उठाएंगे, वाह पर्ची दिखाएं। मुल्तान, ये देखो मुल्तान की पर्ची निकल आई है। आपकी नजरों में मुल्तान जीतेगा? नहीं, मेरी नजरों में तो कराची है। तो ये लेकिन ये आपके हाथों नहीं पर्ची, ये हाथों ने किस्मत में मुल्तान था मेरे ख्याल। मुल्तान इतनी अच्छी टीम है, अंदर रिजवान जैसा एक मुखलस और आजिज इंसान है। हाँ, लेकिन हम सपोर्ट कराची को करते हैं। तो सपोर्ट क्यों कराची को करते हैं? कराची में हमारे सीनियर खेलते हैं, यानी शेख मलिक हो गया, दरअली, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। तो लाहौर में कोई सीनियर नहीं? लाहौर में हमारा कोई सीनियर ही नहीं है, शहीन है, वो भी जूनियर है, अभी जूनियर है, लेकिन हमारा सीनियर है, लेकिन शेख भाई का जूनियर है। मुल्तान वालों को कोई पैगाम देना चाहते हो? मुल्तान वालों, आप भी अच्छा खेलो, कोशिश करो कि आप भी फाइनल तक जाएं, जो फाइनल तक जाएगा जीतेगा तो वही, लेकिन हमारी
बेस्ट डिवीजन 6 के 6 टीमों के साथ है क्योंकि ट्रॉफी तो पाकिस्तान में रहनी है। वैसे तो 5 टीमें, 6वीं टीम कौन सी है? महल्ले वाली भी जोड़ ली, इस्लामाबाद यूनाइटेड डाल गई, 5 है। 6 हैं, मैं करा देता हूँ। लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान, कराची किंग, पेशावर जलमी, इस्लामाबाद, क्वेटा और बस ये तो 5 होगी, 6 होगी। लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान 2, कराची किंग 3, पेशावर जलमी 4, उसके बाद क्वेटा 5, इस्लामाबाद 6। कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये है कि सारे अच्छे खेलें, लेकिन कराची के लिए यह है कि आप रात को बहुत अच्छा खेले थे लेकिन आप हार के हमारा दिल तोड़ दिया, लेकिन आगे इससे लाभ का दिल था या अंडा था? नहीं दिल था, क्योंकि कोशिश बहुत की थी 6 भाई और मासीम ने, लेकिन हम फिर भी हार गए। जी बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया कि हम आगे भी लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या रद्द अमल है, आए हमारे साथ।